वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 18 अप्रैल है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है, सभी पर नज़र हम लोग डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, न्यूज़ में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर किया गया है जो यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और 2 दोनों में ये कवर करेगा। साथ ही साथ जितने भी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं वो अपने अपने जीएस पेपर वाले टॉपिक से कवर कीजिएगा। आपके किस जीएस पेपर से आ रहा है ये टॉपिक आप देखिएगा। जनसंख्या संबंधित मुद्दे क्या है, संबद्ध मुद्दे कहाँ पर आपको कवर करते हैं, साथ ही साथ सरकारी नीतियाँ जो होती हैं वो बनती हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को कवर करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे सबसे पहले जब भी जातिगत जनगणना की बात होगी इसके पक्ष और विपक्ष के मुद्दे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। बहुत से वर्ग ऐसे होंगे जो पक्ष की बात करेगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको विपक्ष की बात होगा। पर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, पीसीएस एस्पिरेंट है, तो आपको बीच का संतुलन आपको बनाए रखना है। इसके सभी संस्थागत लाभ आपको क्या होंगे और संस्थागत हानियां क्या हो सकती है जो हमारे सिस्टम मैकेनिज्म बना हुआ है उसमें। क्या अभी भी जातियां प्रतिनिधित्व करती है विकास का, तो ये मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। क्या आपको लगता है अब भी वर्तमान समय में भी जातियां को विकास के लिए जो मानक होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट मानकर चलना चाहिए? तो इसको हम लोग लास्ट में अंत में डिस्कस करेंगे, क्या यह जातियां भी अभी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ों को आप देख लीजिए कि आबादी के जो आधार पर SC ST और OBC समुदाय को आरक्षण देने की मांग उठाई गई है वर्तमान में जातिगत जनगणना के आधार पर। तत्काल जनगणना शुरू करने की बात की गई, हालांकि 2021 में जनगणना प्रारंभ होनी चाहिए थी, 2011 के दशकीय पूरा होता है, पर कोविड का दौर चल रहा था जिसके जिसके कारण सरकार इसे प्रारंभ नहीं की है। फिर भी विपक्षी दल और बहुत महत्व जो भी महत्वपूर्ण दल हैं उनके द्वारा ये बार बार की जा रही है कि जो नेक्स्ट जनगणना होगा उसमें जातिगत जनगणना को जोड़ दिया जाए और उसके आंकड़े जो 2011 में किए गए थे जातिगत जनगणना से संबंधित आंकड़ों को उसे भी रिलीज करने की बात की गई है। अब देखिए, यहाँ पर बात है कि सामाजिक न्याय सशक्तिकरण जिसे मजबूत मिलेगी। देखिए, कुछ टर्मोलॉजी शब्द को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इस जातिगत जनगणना से कुछ टर्मोलॉजी शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। सामाजिक न्याय क्या होता है, सशक्तिकरण क्या होता है, आप संदर्भ में बातें आपसे पूछी जा सकती है। इंटरव्यू में, मेंस में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, तो टर्मोलॉजी शब्द को भी आपको साथ में लेके चलना है। साथ में राहुल गांधी जो आरक्षण के वर्तमान 50% सीमा की बंदिश को हटाने की भी मांग बुलंद कर रहे हैं। अर्थात इनका कहना है कि जो 50% जो अधिकतम जो आरक्षण का है सीमा उसे है ना हटा देना चाहिए और इसे है ना नॉर्मलाइजेशन कर देना चाहिए। इनके द्वारा बातें की जा रही है, अर्थात जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना अधिकार, उसको उतना आरक्षण प्राप्त होना चाहिए इसके अर्थ में, संदर्भ में। तो यहाँ पर हम दो तीन चीजें ध्यान रखना। अगर ये चीज कॉन्सेप्ट लागू होता है तो आपको बहुत से चीज़ों को चेंजिंग करना पड़ेगा। आरक्षण का जो वर्तमान जो दायरा है, OBC का जो आरक्षण का मानक है, SC का, SC ST का, और प्रतिनिधित्व के बारे में जो बातें की गई, इंदिरा साहनी वाद की बात की गई, ये सभी पर है ना पर पुनः चर्चा का विषय खुल जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना आपको। साथ में बिहार के जो मुख्यमंत्री, देशव्यापी जनगणना शुरू के संदर्भ में बातें की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप लोगों को पता है कि बिहार में जातिगत जनगणना प्रारंभ है, तो उसके उसके संदर्भ में उनके द्वारा बोला गया है कि जातिगत जनगणना समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होगी। तो ये कैसे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्थात कुछ किसी देश किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये बात बोल रहा है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस प्रकार से चीजों को अपने राज्यों में लागू कर रहा है, तो क्या यह वास्तविक रूप से जातिगत जनगणना लोगों को लाभ दे पाएगा, सरकारी योजनाओं तक पहुंच स्थापित कर पाएगा? तो इसके संदर्भ में बातें की जा रही है।
अब सर्दौली बैठक बिहार के भाजपा में भी इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन किया था, पर केंद्र के स्तर पर भी इस पर कुछ बातें नहीं स्पष्ट हुई है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि बिहार में जो विधानसभा के जातिगत जनगणना का सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भाजपा भी शामिल थे, तो आपको यह समझ विकसित होनी चाहिए कि क्या सरकार राज्य के स्तर पर जातिगत जनगणना कराने के लिए राजी है, पर केंद्र के स्तर पर राजी नहीं है क्या? इस मुद्दे को भी आपको समझ में साथ में लेकर चलनी है। तो यहाँ पर दो तीन चीजों को समझ में आ, जातिगत जनगणना पूरे देश की मांग है। लोक जनशक्ति पार्टी और विभिन्न जो पार्टियां हैं वो भी लगातार बात कर रही है। तो मूल मूल रूप से यह आपको समझने की जरूरत है कि क्या जातिगत जनगणना आवश्यक है। मेरे संदर्भ में बात की जाए तो अगर मैं पूछूं तो क्या हमारे लिए जातिगत जनगणना आवश्यक प्रतीत होता है, अनिवार्य प्रतीत होता है, या एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इसे लागू किया जाना चाहिए? तो हम इसी पर डिस्कस करेंगे, और आपको आने वाले एग्जाम में, वो मेंस का एग्जाम हो या इंटरव्यू का एग्जाम हो, आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। जब हम जनगणना कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण, एसटी आरक्षण और एससी आरक्षण दे चुके हैं, तो उसमें जातिगत जनगणना क्या आवश्यक अनिवार्य प्रतीत होता है या एक सब्स्टिट्यूट या एक अलग प्रावधान के रूप में देखना चाहिए? आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, इस संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो इसे ध्यान में रखना है, इसके की फैक्ट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले की पॉइंट के तौर पर हम देखें तो पहले तो आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए कि जनगणना का अर्थ क्या होता है, आर्थिक सामाजिक जनगणना क्या होता है, जातिगत जनगणना क्या होता है। ये तीनों का टर्मोलॉजी आपको यह पता होना चाहिए, तो ही ना अंतर स्पष्ट कर पाइएगा कि ऐसे ही अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तीनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, जनगणना क्या है इसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1881 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, प्रारंभ हो गई। वहां पर जनगणना मुख्य रूप से योजना आयोजना नीति निर्माताओं शिक्षाविदों अन्य लोगों को भारतीय जनसंख्या के संबंधित आंकड़े प्राप्त करने, साधनों तक पहुंच स्थापित करने, सामाजिक परिवर्तन परिसीमन संबंधित आंकड़ों आदि को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात सरकार को वर्तमान सरकार की भी बात की जाए, उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो सरकार की वर्तमान जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी लेखा जोखा है, सामाजिक उत्थान परिवर्तन की बात की जाए या परिसीमन क्षेत्र परिसीमन की बात की जाए, अर्थात जब हम सीटों का आवंटन कर रहे हैं परिसीमन के संदर्भ में, आप लोग ये सब टर्मोलॉजी पता होगा मुझे उम्मीद है, तो जब हम परिसीमन करते हैं तो इसके लिए जनगणना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। और वास्तविक जनगणना लोगों का होना चाहिए, लोगों के संदर्भ में बातें हो रही है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1991 में जनगणना के लिए भारत जो जनगणना आयुक्त जो है WWM यूट्स का याद रखिएगा, यूट्स का कथन याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन था इनके संदर्भ में कि जनगणना एक बड़ी बेहद मजबूत अवधारणा है। अगर हम इसकी बात कीजिए तो अवधारणा ये बहुत ही मजबूत है, यह समग्र रूप से है ना सभी चीजों को प्रोवाइड कराता है जो भी सरकार के लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। हम लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक किस प्रकार से योजनाओं को लागू करना उसके लिए हम कर सकते हैं, किस क्षेत्र में किस वर्ग विशेष को हम बेहतर सुविधाएं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, या इस प्रकार से कोई भी लक्ष्य हो ना उसके लिए मजबूत बेहद अवधारणा यह माना जाता है, लेकिन विशेष जांच के लिए अनुपयुक्त है। अर्थात हम विशेष जांच के संदर्भ में बात करें तो हम टारगेटेड कुछ चीज करना चाहते हैं। अर्थात मान लीजिए ओबीसी अभी है, वर्तमान में है, एससी है, एसटी है ना, या अन्य कोई है, तो हम इसके लिए टारगेटेड, इसमें भी बहुत से उपवर्ग होंगे, इसके भी बहुत से उपवर्ग होंगे, या जनरल की बात ही जनरल कास्ट की बात करें तो उसमें भी बहुत से उपवर्ग है, तो हम इस टारगेटेड पॉइंट को कैसे कवर करेंगे, टारगेट पॉइंट को कैसे कवर करेंगे, इसके लिए यह अवधारणा है ना जनगणना, यह समुचित लाभ नहीं दे पाता है। अर्थात वहां तक पहुंचने का हमें अवसर देता ही नहीं है कि हम मान लीजिए राजपूत है तो राजपूत कितने राजपूत है, राजपूत में भी अपर लोअर कौन है ये नहीं बता सकेगा। ओबीसी में मान लीजिए यादव है या अन कास्ट अन बिरादरी लोग हैं, जाति विशेष है, तो उसमें अपर और लोअर कौन है ये नहीं स्पष्ट करा पाया। इसी तरह एसटी एससी में भी अपर और लोअर को जरूरी है कि एससी एसटी सभी और जो एससी एसटी के वर्ग जो होंगे वो सभी लोग नीचे ही तबके के होंगे, उसमें बहुत से लोग होंगे, उस वर्ग में सबसे धनी धनाढ़ होंगे, उस तक पहुंच स्थापित करने के लिए जनगणना हमें आंकड़ा नहीं उपलब्ध करा पाता है।
यह सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन याद रखिएगा WSM यीट्स के द्वारा, इनके द्वारा यह बातें की गई थी। अगर हम विशेष कुछ प्राप्त करना चाहते टारगेटेड, तो वो प्राप्त नहीं हो पाता। अब सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना क्या है, इसे हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए वर्ष 1931 के बाद पुनः 2011 में स्वतंत्र भारत में से पहली बार आयोजित किया गया था और जातिगत संदर्भ में आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि उसे जारी नहीं किया गया था, उपलब्ध जरूर हुए थे, जनगणना में से इसे प्राप्त किया गया था। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण और शहर क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय निम्नलिखित स्थितियों का पता करना था इस जातिगत सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर। उसके संदर्भ में क्या क्या बातें की गई थी, तो याद रखिएगा यह जो जनगणना आयुक्त है उनके वेबसाइट से लिया गया, लाइन बाय लाइन चीजें उतार दी गई है, इसलिए कि आप उनके परिभाषित शब्दों को समझ सके। तो आर्थिक स्थिति का पता करना है ताकि केंद्र और राज्य के अधिकारियों को वंचित वर्गों के क्रमचयी संचयी संकेतों की एक श्रृंखला प्राप्त हो, अर्थात होरिजेंटल और वर्टिकल जो जो संकेतक होंगे उसके लिए आप उसको वहां तक श्रृंखला के रूप में से प्राप्त कर सके उनके अधिकार उनके उनके स्थितियों के बारे में वंचित वर्गों के। तो यहाँ पर बातें की गई है, अर्थात इसके उन्होंने शामिल करने के लिए अनुमति दी जा सके, अर्थात उसमें योजनाओं को शामिल करने के लिए अनुमति दी जा सके, जिसका प्रयोग प्राधिकरण द्वारा एक नए गरीब वंचित व्यक्ति तक परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है। अर्थात इसका अर्थ यह समझा गया इसके जनगणना आर्थिक सामाजिक रूप से हम ऐसे वर्गों का चयन नोटिफाई कर सकते, उसे चिन्हित कर सकते कि वास्तविक रूप से लाभ उसे प्राप्त हुआ है या नहीं। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था जातिगत जनगणना का मंडल आयोग के बाद, क्या वो उसके लक्ष्य इन वर्गों के जो भी उपवर्ग है, मान लीजिए यादव हैं, सिंह हैं, राजपूत हैं या अन्य भी SC ST का ले लीजिए आप, उसमें अपर लोअर मिडिल जो होंगे, क्या उन तक वास्तविक रूप से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है सामाजिक आर्थिक लक्ष्य का, क्या वो प्राप्त हो सका है। तो उसके लिए एक हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सके। नेक्स्ट आपको याद रखना है प्रत्येक व्यक्ति उसका विशिष्ट जातिगत नाम पूछना, जिसमें प्रत्येक जिससे सरकार को यह पूर्ण मूल्यांकन करने में आसानी हो सके कौन सी जाति समूह के आर्थिक रूप से सबसे खराब स्थिति है और कौन बेहतर है। यह इस जनगणना जो 2011 में किया गया था उसकी बात की जा रही, उसमें यह जातिगत विशिष्टता जाति पूछी गई थी, जिसमें यह बात यह स्पष्ट करना था कि जो भी जातियां हैं उनमें कौन समूह में जाति समूह में कौन सी जातियां जो है आर्थिक रूप से सबसे खराब अभी भी है और सबसे बेहतर है, अर्थात किनका उत्थान हो चुका है, ST में जितने भी उपवर्ग होंगे उसमें किनका उत्थान हो चुका है, किनका अभी तक नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ उसे हम टारगेटेड कर सकेंगे, उनके लिए योजनाएं निर्धारित कर सकेंगे। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, हम या तो अल्पसंख्यक के लिए कानून बनाते हैं, अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक केवल किसके लिए कानून बन रहा है यह ध्यान रखना, मुस्लिमों के लिए बन रहा है, बौद्धों के लिए बन रहा है, जैनों के लिए बन रहा है, तो क्या मुस्लिमों में और भी उपवर्ग नहीं है, तो उनमें सभी के लिए क्या बन रहा है, अब बौद्ध में भी क्या उपवर्ग नहीं है तो उनके लिए बन रहा है, जैन में भी, इसी प्रकार से इसके अलावा अल्पसंख्यक कहने का मतलब है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय कानून बना देती है, नियम कानून संसद पारित कर देती है सभी अल्पसंख्यक को, पर क्या मुस्लिम वर्ग के जो अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम आता है क्या उसमें सभी वर्गों को उसके उपजातियों को प्राप्त हो पा रही है वो योजना का लाभ, इसका आकलन हम जातिगत जनगणना के आधार पर कर सकते हैं। जब हम विशेष जातियों का अर्थात उसमें भी कितनी उपजातियां उसका स्थिति क्या, उसमें कौन सबसे मजबूत कौन सबसे कमजोर है कौन मिडिल में है उसकी हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, इसके लिए बात की गई। अब यहाँ तक क्लियर, अब दोनों के बीच अंतर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अंतर जो होना चाहिए उसे आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जनगणना भारतीय आबादी का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है, अर्थात भारत में आबादी का स्वरूप क्या, अर्थात इसमें हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, जैन कितने हैं, पारसी कितने हैं, अन्य जातियां कितनी हैं, ये स्पष्ट करता है। उसकी आबादी कितनी है, उसकी प्रतिशतता, जीवन सूचकांक, बहुत से टर्मोलॉजी यूज किया जाता है, उसके स्तर को बताता है, अर्थात यह क्या बताता है, भारतीय आबादी का समग्र चित्र, किसकी स्थिति कैसी है, किस क्षेत्र में इसका प्रतिशतता कितना अधिक है, यह स्पष्ट करता है। जबकि सामाजिक आर्थिक जो जातिगत जनगणना है द्वारा सहायता योग्य लाभार्थियों को पहचान का एक उपाय और साधन तंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, अर्थात यहाँ एक कलर चेंज करता हूँ मैं तब आप समझिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम जातिगत जनगणना अर्थात जनगणना हम कर लेते हैं इस क्षेत्र का, अब इसमें से कौन से सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर कमजोर है, कौन सबसे मजबूत है और कौन मिडिल में है,
किनको योजना देना है किनको योजना नहीं देना है यह कौन डिसाइड करेगा, यह सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना ही डिसाइड कर पाएगी, ये जनगणना का पार्ट डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह समग्र अध्ययन करता है, समग्र आंकड़े उपलब्ध करता है, इस क्षेत्र विशेष में कितने जातियां हैं, बस इतना ही, उसमें उपजातियां कितना है इसे डिसाइड नहीं कर पाती, इसलिए इस चीज को टर्मिनोलॉजी को समझने की जरूरत है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट है तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। अब याद रखिएगा, अगर आगे हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना है कि वर्ष 1948, इसे आंकड़े को याद रखिएगा, वर्ष 1948, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। वर्ष 1948 का जनगणना अधिनियम याद रखिएगा, उसके अंतर्गत यह कहा गया था सभी आंकड़ों की गोपनीय माना जाएगा। इस जनगणना अधिनियम के तहत एक नियम लाया गया कि जो भी आंकड़े आएंगे ना वो गोपनीय होगा। साथ ही साथ जबकि सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2000 जो के संदर्भ में उसकी वेबसाइट की बात करें हम, तो इसके तहत सभी व्यक्तियों की जानकारी उपयोग कर सकती है, विभाग परिवारों को लाभ पहुंचाने या प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात हम जातिगत जनगणना का जब हम आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो इसके वेबसाइट के आधार पर हम सभी चीजों को स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं, किसे हमें देना है लाभ, किसे नहीं देना है, किसे अभी तक स्टैंड करके रोकना है, अर्थात हम इसके संदर्भ में सभी आंकड़ों का समायोजित प्रयोजन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, यहां तक क्लियर? अब याद रखिएगा, जाति आधारित जनगणना अगर हम करते हैं तो उसके तर्क आएंगे, एक पक्ष में तर्क आएगा और एक विपक्ष में तर्क आएगा, जो आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको न्यूट्रल कैसे रहना है। तो चलिए, तो सामाजिक समानता कार्यक्रम के प्रबंधन में सहायक होता है जातिगत जनगणना, जो आंकड़े मैंने अभी बताए कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंच सकेंगे इसके लिए आवश्यक हो जाता है। तथ्यों की सही जानकारी होगी, अर्थात जातियों में उपजातियां कौन है, कौन पिछड़े वर्ग पिछड़े हैं, कौन मजबूत है या कौन अभी न्यूट्रल मध्यम में है, तो इसकी आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है हमें। साथ ही साथ पिछड़े वर्गों के आबादी के आकार के बारे में जानकारी के अलावा इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, जैसे उसकी भी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे हम घर की स्थिति की बात करें, वो प्रकार कैसे रखे हुए हैं, संपत्ति कैसी है, व्यवसाय के बारे में नीति संबंधी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होगी। जनांकीय जो जानकारी होगी, लिंग अनुपात क्या होगा, मृत्यु दर क्या होगा, जीवन प्रत्यक्षता क्या है, शैक्षणिक डाटा पुरुष और महिला के साक्षरता दर में स्थिति कैसी, जातियां उपजातियां सभी के संदर्भ में, केवल जाति है ना, केवल जाति हम जातिगत जनगणना न करके इसे जनगणना के साथ जोड़कर देखेंगे तो ये हमें आंकड़े प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए एक जाति ए है, उसकी उपजातियां बी सी डी ई एफ है, मान लीजिए, तो जनगणना में हम एक ही आंकड़ा प्राप्त कर रहे हैं, पर जातिगत जनगणना अगर साथ में करते हैं तो ए की उपजाति बी जो है उसमें क्या स्थिति है, इन सभी जो भी आंकड़े आपको यहाँ दिए गए, लिंग अनुपात क्या है, जीवन प्रत्यक्षता क्या है, आर्थिक जितने भी आंकड़े यहाँ दिए गए उसके संदर्भ में भी हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं, यह लाभ प्राप्त होगा, आपको यह जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, स्कूल जाने वाले आबादी का अनुपात क्या है, संख्या, जनसंख्या आदि संख्या स्थिति प्राप्त होगी, जो भी आंकड़े उपलब्ध होंगे जनगणना के साथ अगर हम जातिगत जनगणना करते हैं तो इस तरह हम, अर्थात इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस दूरी को हम समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए जाति यह है, उपजाति यह है, दूरी अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर की है जनगणना के आधार पर, जातियों के अंतिम पहुंच के वो 0 किलोमीटर हो जाएगा अगर हम जातिगत जनगणना करते हैं। अर्थात इसकी हम आंकड़े उपलब्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें इनका आंकड़ा लेना होगा, तो जातिगत जनगणना आपको यह लाभ देगा। इससे हम सही योजना का निर्धारण कर सकते हैं, सही लाभार्थी तक पहुंच सकते हैं, और जिन जिन वो जातियां मजबूत हो चुकी हैं उनको है ना स्टैंड मोड पर रख के, जो अभी तक नहीं हुए हैं उनको हम यह लाभ दे सकते हैं, यह सब आपको इसका लाभ होगा। अब नेक्स्ट है, आरक्षण का जो वस्तुनिष्ठता है ना उपाय होगा कि आप रोहिणी, एक आयोग गठित हुआ था मंडल आयोग का, जो आरक्षण दिया गया था ओबीसी को, उसके बाद एक रोहिणी आयोग गठित की गई थी जिसका ओबीसी आरक्षण में प्राप्त 2633 जातियां शामिल थी, उनमें अब तक की भी हाशिए पर जो लोग हैं उसकी यथास्थिति वस्तुनिष्ठ तत्संगत लाभ प्राप्त करने के लिए सुझाव दिया था। तो देखिए, ऐसा नहीं कि मंडल आयोग के गठन के बाद जो जातियां सृजित, जातियों का जो जनगणना हुआ था कि उनका पहचान किया गया था, तो उन सभी जातियों तक सभी लाभ पहुंच गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। यह है ना रोहिणी
आयोग थी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी। और हम देखते भी हैं अपने आसपास, अपने समाज में आप लोग देखते भी होंगे, बहुत से ऐसी जातियां हैं जिनमें उनकी उपजातियों में अभी भी लोग हैं ना कमजोर, हाशिए पर खड़े, बीपीएल कार्ड के लिए तरस रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं ना, हम वास्तविक रूप से तभी प्राप्त कर सकेंगे जब क्या है कि आपको सरकार जातिगत जनगणना पर बात करेगी। अब इसके बाद विपक्ष के तर्क में बात करते हैं हम लोग हैं, तो जाति आधारित जनगणना दुष्प्रभाव बहुत से उभर कर सामने आएंगे। अर्थात वर्ग विशेष पहले बात होती थी, अब जाति विशेष है ना बातें प्रारंभ हो जाएगी। अभी भी हम लोग वर्ग विशेष कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जाति विशेष तब बात उभर कर सामने आती जब हम ना ऐसे विषम परिस्थितियों में चीजों को डिस्प्यूट करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो अभी भी वर्ग विशेष कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलते हैं। अगर जाति आधारित चीजें उभर कर सामने आती है, तो एक रजनी पामदत्त का एक, आप लोग रजनी पामदत्त एक विचारक हैं, उनका है कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, राजनीति में भारतीय राजनीति में जाति जाति आधारित राजनीति से हम दूर नहीं रह सकते। अर्थात जाति को हम हटाकर राजनीति की सोच ही नहीं सकते। तो सोच के देखिएगा, जब ये स्थिति वर्ग विशेष के कॉन्सेप्ट इतना हावी रूप से बताया गया है, तो जब हम जातिगत जनगणना करेंगे तो ये कितना प्रभावी और भी असरदार रूप से काम करेगा। तो जाति जाति है ना, जाति जो राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर देगा। अभी भी बहुत से जगह पर विकास जैसे मानकों पर आधार पर वोटिंग होता है, वहां पर चीजें होती है। हालांकि इससे दो राय नहीं है कि जातियां अभी भी राजनीति को प्रभावित करती है, पर वर्ग विशेष के कॉन्सेप्ट में जब इतना प्रभावित कर रही है, तो सोच के देखिएगा, जब जाति आधारित जनगणनाएं और उससे संबंधित चीजों को जब लागू करने का प्रयास किया जाएगा, तब राजनीति कितना प्रभावित होगा। तो सोच के देखिएगा, अगर एक आंकड़े को हम देखें, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, चलिए मुझे लगा कि एरोप्लेन मोड नहीं है। और सोच के देखिएगा क्या कि जब हम वर्ग विशेष वाले कॉन्सेप्ट में जाति की इतनी भूमिका देखते हैं, तो जहां पर जाति विशेष जनगणना होगी, जाति विशेष विशेष बातें होंगी, तब वहां पर राजनीति में जातियां कितना प्रमुख भूमिका अदा करेगी। अभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर विकास के लिए वोट होता है, वर्ग विशेष के लिए वोट होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट धूमिल होता प्रतीत नजर आएगा। दूसरा, जाति संदर्भ विशिष्टता उभर कर सामने आएगी। अभी भी हम वर्ग विशेष चीजों को देखते हैं, जैसे ओबीसी वर्ग में बहुत से वर्ग हैं तो उसकी बात होती है, जनरल वर्ग में ऐसी बातें होती है, SC ST वाले वर्ग में ऐसी बातें उभर कर आती है। अब जाति विशेष चीजों को लेकर चीजें उभर कर सामने आएगी। जैसे मान लीजिए बहुत से जातियां हैं, उसके उप जातियां ABCD मान के चलिए, उसके संदर्भ में चीजें उभर कर आएगी। अर्थात जो भी लोकतांत्रिक संदर्भ में बातें होंगी, वहां पर इन जातियों के उप वर्गों की बात संदर्भों में उनकी है ना वस्तुनिष्ठता उभर कर न आ वस्तुनिष्ठता न झलकते हुए उनमें है ना कठोराघात वाले कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। जैसे आप है ना, आप देखिए एक सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, या किसी विशेष को नहीं टारगेट में कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए सब चीजें बता रहा हूँ। अभी भी आप देखते होंगे भूमिहार कॉन्सेप्ट, भूमिहार है सुनते होंगे, राजपूत घराना सुनते होंगे, यादव कॉन्सेप्ट सुनते होंगे, मुस्लिम में बहुत से पठान पठाना सुनते होंगे। तो ये अभी भी है ना वर्ग विशेष के लिए संदर्भ में ही बातें करती है, पर जैसे ही जाति होंगी तो जाति विशेष भूमिहार में भी बहुत से लोग होंगे, उपजातियों के संदर्भ पर यादों में भी बहुत से होंगे, तो अब उनकी भी प्रधानता बढ़ती नजर आएगी इस कॉन्सेप्ट के बाद। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए क्या होगा, हमें दुष्परिणाम सामने लेकर आएगा, बहुत से और भी अन्य विकल्प को खोल देगा जहां पर अभी तक राज्य और सरकारें अभी तक नहीं जानती है। सामाजिक समरसता पर कुठाराघात होगा। अभी भी समाज में जो चीजें हैं कहीं ना कहीं न्यूट्रल वे पर चल रही हैं। अगर हम सभी को विशेष तौर पर चीजें आवंटित करना शुरू करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर सामाजिक समरसता की बात जो की जाती है वो कहीं नहीं, यह आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा जहां पर राष्ट्रीय एकता अखंडता के संदर्भ में बातें की जाती है, उस पर कुठाराघात करेगा। क्योंकि सभी जातियां अपने हक और प्रतिनिधित्व की बात करेगी,
हालांकि आपको प्रतिनिधित्व अभी प्राप्त हो रहा है, पर जैसे ही जाति आधारित प्रतिनिधित्व की बात होगी तो हमारा देश है ना अलग संदर्भ में चीजों को डिस्प्यूट में फंसेगा, जिसे हमें सुलझाना आवश्यक हो जाएगा। अब नोट याद रखिए, इतनी कहानियां होने के बाद, इसके पक्ष विपक्ष दोनों को समझने के बाद, तो यहाँ पर देखिएगा नोट के संदर्भ में कि जाति जनगणना जो है जाति विहीन समाज के लक्ष्य के भले ही अनुकूल न हो, लेकिन यह समाज में असमानता दूर करने का साधन के रूप में काम कर सकता है। अर्थात देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी देखिएगा, जाति है जातिगत जनगणना जाति विहीन समाज के लक्ष्य, अर्थात हम जो जाति विहीन कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं ना कि समाज हमारा जाति विहीन होगा, उसके लक्ष्य को भले ही अनुकूल न हो, जब ये जाति विशेष हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर जाति विहीन बात करेंगे, तो कभी जाति विहीन कॉन्सेप्ट को समाप्त करने का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा समाज जाति विहीन हो जाए, हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, ये सब जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, तो क्या इस जनगणना के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अनुकूल नहीं होता, प्रतीत नहीं होता, पर लेकिन ये समाज के असमानता दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है। तो यह असमानता को दूर दूर करने का एक साधन बन सकता है। तो अब देखिए आपको न्यूट्रल व्यू में आपको क्या सोचना है, मैंने सारे डायलेमा इसका स्पष्ट कर दिया हूँ, पर आपको जब एस्पिरेंट है, यूपीएससी और स्टेट एस्पिरेंट है, तो आपको है ना दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या जातियां कास्ट वर्तमान संदर्भ में संसाधनों का वितरण का केंद्र है? तो बिल्कुल है, इसे आपको मानना होगा। दूसरा, क्या हमारा सामाजिक और राजनीतिक संरचना जाति विशेष कॉन्सेप्ट पर चलता है? तो बिल्कुल चलता है। तीसरा, कि क्या क्या जो सरकारी नीतियां हैं उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या लोगों के हित को पूर्ति करना है? तो बिल्कुल है। तो जब ये तीनों है तो आपको जातिगत जनगणना से प्राप्त हो सकता है। तो आपको जब ये प्राप्त होगा, ये सबसे बेहतर विकल्प देगा, तो आपको क्या करना है, इसके लिए लक्ष्य आप बना सकते हैं, इसके लिए कार्य कर सकते हैं। पर इसके साथ जो जाति विहीन कॉन्सेप्ट जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए क्या होगा, एक रोड मैप तैयार करना होगा कि हम इसे कैसे फिर प्राप्त करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम 20 वर्षों से 30 वर्षों से पढ़े आ रहे हैं, तो क्या इसकी वस्तुनिष्ठता कायम रह सकेगी? इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और यह एक नए प्रशासनिक सामाजिक राजनीतिक ढांचा को विकसित करेगा। तो ये आपको और हमें तय करना होगा, सरकार को तय करनी होगी, जो भी सरकार है इस कॉन्सेप्ट को कैसे स्टैंड करेगी, सबसे बड़ा प्रश्न आपसे सामने उभर कर आएगा। इसके लिए हम फिर बात करेंगे, कब, जब इसके बारे में और भी चीजें उभर कर सामने आएगी कि इसके संदर्भ में, हालांकि मैंने आपको बताया कि अभी भी जातियां हैं क्या है, प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट पहले से भी है। राजनीति अभी भी, आप इंदिरा साहनीवाद का कॉन्सेप्ट सुने जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें की गई, अभी भी जातियां प्रतिनिधित्व करती है समाज का, तो इसके संदर्भ में बातें हैं। तो हम वर्तमान समय में क्या इस कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए यथासंभव कोशिश कर सकते हैं, इसको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में देखना है। फिर हम लोग कभी इस पर बात करेंगे, फिलहाल अभी इतना, नहीं तो अन टॉपिक भी छूट जाएगा। 30 मिनट इस पर 28 मिनट बात हो चुकी है। चलिए, एक समलैंगिक विवाह के मान्यता देने की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह वाद चल रहा है, जिस पर सोमवार को शायद फैसला आने वाला, मंगलवार को सुनवाई करेगी, अर्थात आज ही शायद है, तो जिसमें है ना सवाल केंद्र सरकार ने यह बोला है। अब मैंने भी आपको बताया था कि समलैंगिक विवाह जिस दिन चर्चा किया था मैंने टॉपिक पर, तो मैंने भी बताया था कि हमारा समाज और संस्कृति है वो किस ढांचे के रूप में विकसित है, हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्या समलैंगिक विवाह को दे सकते, समलैंगिक लोगों को मान्यता हम अपने समाज में पुरातन काल से देते आ रहे हैं, जहां पर आपको प्राचीन सभ्यता में देखते होंगे, आपको मुगल काल में देखते होंगे, अर्थात मध्यकालीन भारत में भी देखते होंगे समलैंगिक लोगों का भारतीय राजनीति में प्रवेश आप देखते होंगे। तो ऐसा नहीं कि सामाजिक लोगों का, हम सामाजिक ढांचे में समलैंगिक लोगों का योगदान नहीं रहा है, पर विवाह के तौर पर हम क्या संस्कृति के उस स्तर पर पहुंचे जहां पर हम समलैंगिक विवाह को जैसे यूरोपियन कंट्री में दिया जाता है।
LGBT जो समुदाय उसे जो समलैंगिक विवाह का कॉन्सेप्ट जो देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम वेट करेंगे माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को। मैंने उस दिन लास्ट जो समलैंगिक विवाह के संदर्भ में चर्चा किया था वहां पर सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देखिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग प्रीवियस ईयर पर वीडियो देख लीजिए, युक्ति आई इस पर जो आप लोगों को यूट्यूब चैनल, उस पर जाके एक बार वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मैंने आप लोग को कवर किया है वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि आपको 150+ टॉपिक कवर किया जा चुका है, जिसमें से आपको उसके सब टॉपिक भी ले ले तो कम से कम 300 टॉपिक आपको कवर हो चुके हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं पूछता है, ना यूपीएससी पूछेगा, ना स्टेट पीसीएस पूछेगा। आप लोग जितना है जितनी बार इसे रिपीट कीजिएगा, जितनी बार इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, हर बार एक नई चीजें कॉन्सेप्ट आपको डेवलप होंगे। तो प्रयास कीजिए, आप लोग वीडियो जाके देखिए, पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ जाके ऐप पर, युक्ति है इसके ऐप पर, और आपको कल मैंने ऐप पर, विजडम एजुकेशन के ऐप पर, युक्ति है इसके ऐप पर सारे पीडीएफ आपको 17 अप्रैल का पीडीएफ सेंड किया था, जिसमें आप लोग को किस प्रकार से पीडीएफ को बनाया जाता है आप लोग के उपयोगी के लिए, कि कम से कम चीजों को जानकर अधिक लाभ ले सके। तो आप लोग युक्ति है इस पर विजिट कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और क्या करना, वहां पर जाके दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस का एक बार पैकेज देख लेना है, उसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत बड़ी फी नहीं रखी गई है, सोच के देखिएगा, 499 में आपको एक ईयर का फुल पैकेज दिया जाता है, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर। तो सोच के देखिएगा आपको, आपके लिए क्या मेहनत किया जा रहा है, फिर भी आप लोग चीजें कहाँ से कहाँ, केवल पीडीएफ ले लेने से ही चीजें नहीं ना हो जाएगी, आप लोग को आंसर राइटिंग करना होगा, आप लोगों को मेहनत करना होगा, उसका फीडबैक लेना होगा। बहुत से लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसका रिव्यू देखना होगा, कहाँ आप लोग गलती कर लेते हैं, तो सारी चीजें अवेलेबल है। अब देखिएगा, एक केस स्टडी आप लोग यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है, जिसमें पटना में बालू माफिया अधिकारियों पर घसीटते हुए लहू लिहान किया, वाहन तोड़े, महिला अधिकारी गई थी उनको, उन पर भी हमला हुआ। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आपको ध्यान रखिएगा, क्या जो माफिया माफिया है, माफिया जो होता है, तो क्या उसके पास इतना शक्ति है कि सिस्टम से डायरेक्ट दो चार हाथ कर ले? इतना माफिया को बल कैसे मिल गया, इससे संबंधित आपको चीजें पूछी जा सकती है केस स्टडी के तौर पर। तो डीमेरिट्स इसका क्या है, आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए, प्रशासन में कुछ जो लोग गए थे, निहत्थे गए थे, जो भी प्रशासन विजिट कर रहे थे, घायल कर रहे, जो भी घटना में आप लोग घायल मिले हैं कर्मी, आप देख सकते हैं कि आपको कहां गए, एक सेकंड, यहाँ देखिएगा, भीटा खनन विभाग कर्मियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा, जिसमें महिला अधिकारी तक नहीं छोड़ा। इसमें इंस्पेक्टर, खनन इंस्पेक्टर सैयद फरीन और आमिया को गिराकर घसीटते हुए लोग। अब यहाँ पर कोई सैन्य बल इनके साथ नहीं गया था, तो ऑटोमेटिक है जो घटना, जो माफिया लोग हैं उनके पास हथियार होंगे, उनके पास बहुत से बल होंगे, तो वहां पर क्या है कि ये बल आपका प्रयोग किए। इस प्रकार की घटना से आपको यह समझ विकसित करना चाहिए कि अधिकारियों को भी अति उत्साहिता में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाके कार्य क्षेत्र हो तो सबसे पहले उस सेंटअप पर जा रहे हैं, सेटअप पर जा रहे हैं, छापा मारना चाह रहे, तो उसके लिए आपको सैन्य बल आपके साथ होनी चाहिए। एक सबसे बड़ा आपको केस स्टडी के तौर पर देखना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही लोग पता चला, पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है, पदाधिकारी पहुंचते, तो 44 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और 50 से अधिक बालू से लदे ट्रक वाहनों को जब्त किया जाता है। अब कोई घटना पर आपको दौड़ा दौड़ा कर पुलिस को नहीं मार रही है आप कोई चीज, इसलिए सैन्य है ना बल प्रयोग, अर्थात पुलिस प्रशासन की बात की जा रही है। सैन्य का मतलब आप सेना मत समझ लीजिएगा, सैन्य पुलिस कहने का मतलब यहाँ पर हो रही है, पुलिस प्रशासन को लेकर वहां पर जानी चाहिए। और ऐसा ऐसी राज्य सरकार के नियम भी बनाने चाहिए कि जब भी इस प्रकार की विजिट हो तो अनिवार्य रूप से है ना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को जरूर वहां से कुछ बल को लेकर जाके छापेमारी करें, नहीं तो इसी प्रकार के प्रशासनिक अक्षमता नजर आएगी। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए उस महिला की हत्या हो जाती, या तो उस पूरी टीम पर माफियाओं के द्वारा हत्या कर दी जाती, तो कैसे प्रशासन उसे निपटता, तो सबसे बड़ा कारण आपको यह समझ में आता है। इस प्रकार से केस स्टडी से संबंधित प्रश्न आपको ना इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मान लीजिए आज आपका इंटरव्यू रहता है, ये पेपर में आता, तो निश्चित तौर पर आपसे इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जाते कि आपने पटना में बालू माफिया का घटना सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो आप बोलते जी सर मैंने पढ़ा है, तो आप एक अधिकारी के तौर पर होती तो आपने क्यों, आपके
आप अगर अधिकारी होती जो आमिया है और सैयद जो फरहान है, अगर वो उनके जगह आप होते तो आप क्या करते? तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती। तो जो मैंने आपको बात बताई उन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घटेगी घटनाएं, तो उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए भारत को आर्थिक सुपर पावर बनाने में करेगा मदद इजराइल। देखिए दो तीन चीजें याद रखिएगा यहां पर, एक सेकेंड, कि पहला कि आर्थिक सुपर पावर बनने में, और एफटीए, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है, तो एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, ब्रिटेन के साथ जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था मैंने उस दिन न्यूज एनालिसिस किया था, हालांकि मैं डेट यहाँ देना मैं भूल गया हूँ। मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में चीजें छूट जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आप पढ़े होंगे, ब्रिटेन के साथ जब भारत कर रहा था, करने का प्रयास किया था, उसमें चीजें आपको मैंने कवर किया था, तो आपको उसको अच्छे से देख लेना है। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वही होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, और आपको ध्यान रखना है इसराइल कैसे मदद करेगा और भारत रूस क्यों, इसराइल क्यों भारत के साथ एफटीए करना चाहता है, इससे संबंधित चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 में द्विपक्षीय संबंध आर्थिक समृद्धि की टॉपिक में आपको कवर करेगा, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि इजरायली कंपनी, जिस तरह इजरायली कंपनी क्या किया था, अमेरिका को तकनीकी रूप से सुपर पावर बनाने में मदद की थी, ठीक वैसे ही प्रक्रिया में अब भारत के साथ दोहराई जा सकती है। इजरायल और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध को इजरायल इकोनॉमी और इंडस्ट्री मंत्री जो नीर बरकत है उनके द्वारा की गई है। हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसराइल के साथ हमारे बेहतर संबंध है, तो भारत है ना, इसराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफडीए होना बहुत जरूरी है, और उसकी यात्रा एक बड़ा मकसद, वर्तमान जो मंत्री है उनकी मकसद यही है कि हम इसके साथ, भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली स्थिति में है। देखिएगा भारत है ना आर्थिक समृद्धि सुपर पावर बनते देख रहे हैं, इनकी मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी है कि आर्थिक शक्ति बनने वाले देश में भारत, इसराइल, यूएई, अमेरिका गठित, जो हाल ही में I2 और U2 जो है कॉन्सेप्ट है आप याद रखिएगा, संगठित संभावनाओं के लिए जिक्र किया है, तो यह भी महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो हालिया जो व्यापार का संदर्भ है, इसराइल के साथ $10 अरब से ज्यादा हो गया है कारोबार, और 4.2 अरब डॉलर वर्ष 2020 में द्विपक्षीय कारोबार दोनों देश के बीच था, अर्थात लगभग 5.8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई पिछले 20 से 22 के दशक में, सॉरी 2020 से लेकर 2022 के जो वर्ष रहे उनके बीच में लक्ष्य है अब आगे बढ़ाया गया। वहीं देखिएगा रूस के साथ अगर बात की जाए तो यह व्यापार देखिएगा कितना हुआ है, 2022 में लगभग $27 अरब था, जबकि दोनों देश 2025 में $30 अरब लक्ष्य रखे हैं। तो हम द्विपक्षीय संबंध विकसित कर रहे हैं दोनों देश के साथ, और दोनों बेहतर संबंध है हमारे साथ, तो हम इसका लाभ लेने के लिए एफटीए कर सकते हैं दोनों देशों के साथ, इजराइल और रूस के साथ भारत कर सकता है, ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो तो आयात शुल्क जो लगता है तो उस पर कमी की जा सके और हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आगे आने वाले समय में मैं आपको चीजों को और भी स्पष्ट कर दूंगा, बस एफटीए का जो होगा की नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा, अधिक से अधिक आप लोग लाभ ले लीजिएगा उसका, और साथ ही साथ आपको इसका वीडियो लिंक भी शेयर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ष 2047 तक विकसित होगा देश का हर गांव। देखिए 2047 का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग 100वें वर्ष में पहुंचेंगे स्वतंत्रता या सत्ता हस्तांतरण का जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद, तो यह 1 के पेपर में भी 2047 के कॉन्सेप्ट को पूछ सकता है, 2 में भी, 3 में भी, तो आपको ध्यान रखना हर कॉन्सेप्ट में इस टॉपिक को याद रखना है कि 2047 तक के लक्ष्य क्या है। जैसे 2000 पंचायती राज में कॉन्सेप्ट बात हो रही है, तो पंचायती राज आपको किस में पूछा जाता है, पॉलिटी के टॉपिक में, तो यह पॉलिटी में आपको पूछेगा। ऐसे ही 2000 लक्ष्य 47 पूछ सकता है, आर्थिकी में पूछ सकता है, तो पेपर 3 में चल जाएगा, और सूचना प्रौद्योगिकी में भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री वाले पार्ट में भी, ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी पूछ सकता है, तो सभी जगह 2047 के लक्ष्य पूछे जा सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आपको पेपर 2 में आपको याद रखना है 9 सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण किया जाएगा, भविष्य के लिए रोड मैप तैयार होगा, और यह 17 विकास जो लक्ष्य है, SDG लक्ष्य, तो चलिए आपको यह क्वेश्चन बताना है कि एस जो DG लक्ष्य है, SDG लक्ष्य जो 17 है वो कौन कौन से हैं,
आपको मैं बार बार बताया था, पहले भी बता रहा हूँ आज भी बता रहा हूँ, ये एसडीजी गोल है ना, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को ना समाहित करता है, जितने भी आप पेपर 1, 2, 3 में पढ़ते हैं सभी कॉन्सेप्ट को यह समाहित करता है, इसलिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है क्या कि जो नई दिल्ली में सोमवार को क्या राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित किया गया, इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें पंचायती राज मंत्री भी थे गिरिराज सिंह। इसमें 9 सतत विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय सम्मेलन जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, बाल हितैषी पंचायती, महिला हितैषी पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, पर्यावरण और जल, पर्याप्त जल वाली पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, सुशासन, स्वच्छ पंचायत, तो ये स्वस्थ पंचायत, तो ये आपको याद रखना है, ये 9 लक्ष्यों को बेहतर तरीके से आप लोग क्या करना है, पंचायती राज के कॉन्सेप्ट में प्रश्न पूछे तो आप उसे दे सके, उत्तर दे सके, इसके लिए राइट डाउन कर लीजिएगा, एक जगह की नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर आपको इसे याद रखना है कि 20-21 अप्रैल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसमें आपको चीन भाग नहीं लेगा, तो ध्यान रखिए 30 देशों के लोग इसमें, 30 देशों के 170 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो बौद्ध सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है, कब हो रहा है, 20-21, तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बौद्ध सम्मेलन के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है और बार बार पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा उड़ीसा और झारखंड जल्द ही पीएम श्री जो योजना है उसमें जुड़ने वाले राज्यों की श्रेणी में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा यह योजना उन राज्य उन उस संदर्भ में है जहां पर प्रत्येक ब्लॉक में 2 मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जैसे हम लोग पहले कस्तूरबा गांधी का नाम सुनते हैं, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुनते हैं, जवाहरलाल नेहरू का विद्यालय, तो इस प्रकार से आपको मॉडल स्कूल, आपको पीएम श्री स्कूल योजना मॉडल स्कूल खुलेगा। इसमें अब तक जानते हैं अब तक 8 राज्य दूरी बना रखे, जिसमें दिल्ली, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बंगाल और हिमाचल प्रदेश शामिल, तो इनका नाम याद रखिएगा, पीटी फैट के तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और यह क्यों अलग है, तो ध्यान रखिएगा इस पीएम श्री स्कूल खोलने के लिए, स्कीम को शुरू करने के लिए अपने राज्यों में याद रखिएगा, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है ना उसके नीतियों को अमल करने की गारंटी देनी होती है, तभी आप प्रत्येक ब्लॉक में 2 मॉडल स्कूल अर्थात पीएम श्री योजना के तहत स्कूल खोल सकते हैं, तो उन राज्यों में लागू होगी जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको लागू है। इसका मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन राज्यों में भी लागू नहीं की गई है, नहीं तो पीएम श्री लागू रहती है यहाँ भी ना, तो ये आपको 2 न्यूज देता है पीटी फैक्ट, तो इसे आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिएगा। अब कांग्रेस के दौर में हटा मौलाना आजाद का उल्लेख एनसीईआरटी के द्वारा हालिया जो फिर बदल किया जा रहा, मैंने उस दिन भी कॉन्सेप्ट को बताया था, बहुत सी चीजें हैं समय के साथ आपको महसूस होता होगा कि यह अनुपयुक्त रूप से हमें पढ़ाया जाता है, या तो यह उपयुक्त नहीं है हमारे वर्तमान जॉब कल्चर में, कि हमें जॉब कल्चर में किन किन चीजों को जानकारी होनी चाहिए, किन किन चीजों की नहीं होनी चाहिए, तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा कुछ चीजें घटती है बढ़ती है, अर्थात आपको सिलेबस में कभी जोड़ी जाएगी कभी घटाई जाएगी, तो आप एक शैक्षणिक तौर पर इसे देखना है, राजनीतिक तौर पर नहीं देखना, तो राजनीतिक तौर पर आपको ध्यान रखना है कि 2013 में सब चीजें हुई थी जिसका वर्तमान संदर्भ में लागू हो रहा है, तो लोग इसे विवाद के तौर पर आ रहे हैं। हालांकि जो मौलाना अब्दुल कलाम है, आजाद है, उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो अछूता नहीं, बहुत सी चीजें पढ़ाई गई है, समझाई गई है, हालांकि इसके कुछ डिस्प्यूट के पार्ट भी है, उसे आप लोग अभी इग्नोर कीजिएगा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो डिस्प्यूट में आप लोग फंसिएगा, बस ध्यान रखिए कब क्या हुआ है चीजों को। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में जितनी आबादी है उतना हक मिले भूपेंद्र, जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा विधेयक पारित किए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ये प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, जितनी आबादी उतना हक दिया जाना चाहिए, अर्थात मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 13%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 42% के
लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो ध्यान रखिएगा राज्य में 44% भाग वन आच्छादित है, न बड़ा भूभाग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसके संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2012 में एक रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ गरीबी को संख्या लगभग 40% थी, जो देश भर में सर्वाधिक है। तो ये सब आंकड़े जो आपको दिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, तो इनके संदर्भ में यह बातें की जा रही, जितनी हमारी आबादी होगी उतने आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो 50% आरक्षण तय किया गया है वो कहीं ना कहीं हमें उसके संदर्भ में बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए और भी चीजें स्पष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा गया है पत्र, तो आने वाले समय में हम लोग इस सब चीजों को देखेंगे, क्या होगा नहीं होगा, क्या वर्तमान संदर्भ में भी आरक्षण के मुद्दे वैसे ही रहेंगे या उसे निरस्त कर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा राज्य में 2013 में कुल 58% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, इसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2022 में निरस्त कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, इस पर मैंने न्यूज़ भी एनालिसिस किया था आप लोगों को, और इसके बाद विधानसभा में एससी के लिए एसटी के लिए 32%, एससी के लिए 13%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण का विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस के लिए वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने के निर्णय को वैध ठहराया, जिसमें से आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाने के मांग प्रोसेस हो चुका था। ध्यान रखिएगा, झारखंड और कर्नाटक विधानसभा विभिन्न वर्गों पर 50% अधिक प्रावधान पारित किए गए। तो यहाँ पर देखिएगा, अनेक राज्यों में विधानसभा में आपको अनेक राज्यों में आरक्षण के लिए आपको वर्टिकल हॉरिजेंटल जो आंकड़े दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको उसके 50% आरक्षण के मांग को अलग करता है। तो यहाँ पर बातें लिखी गई है, कही गई है प्रधानमंत्री से, देखिए आगे क्या होता है, वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग। फिलहाल छत्तीसगढ़ की यही स्थिति है। चलिए आगे बात करेंगे पीटी फैक्ट के तौर पर, ध्यान रखिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर आपको, एक सेकेंड, अतिक्रमण जांच दल का जो पर्यवेक्षण के लिए पुलिस महानिदेशक आर के विश्वकर्मा ने अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय टीम गठित की है, तो उसे याद रखिएगा पीटी फैट के तौर पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे, वन सेकेंड होल्ड कीजिएगा। सरकार चाहे तो कश्मीरी हिंदुओं को दे सकती है अल्पसंख्यक का दर्जा, तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में होता है किसे अल्पसंख्यक का दर्जा देना है किसे नहीं देना है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य है सहजादी, जो सहजादी है, पत्रकारों से बातचीत करते हुए बातें की है कि राज्य सरकार चाहे तो, जम्मू कश्मीर की सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है वहां पर, क्योंकि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक। इसके लिए जो भी प्रक्रिया होगी आपको आयोग पूरी करेगी, पर रिकमेंड करेगी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत कौशल विकास, छात्रवृत्ति, रोजगार, स्वराज, शिक्षा, मदरसों का आधुनिकीकरण समेत 15 बिंदुओं पर केंद्रित योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, जब वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू है तो उसे भी लाभ प्राप्त होगा, तो इसके लिए आपको राज्य सरकार से ऐसी अपेक्षा की गई। अब देखिएगा जम्मू कश्मीर में यह स्थिति है हिंदुओं की, 30% से भी कम है जम्मू कश्मीर हिंदुओं की आबादी, वादी में कश्मीरी हिंदुओं की संख्या 3,500 के आसपास है, बहुसंख्यक होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय ही ले रहे हैं लाभ इसका। प्रत्येक प्रदेश की हिंदू कार्य कई वर्षों से अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर रही है, यह स्थिति स्पष्ट है। पूर्ववर्ती सरकारों ने मांग को पूरा करने कोई कदम नहीं उठाया, वर्तमान में देखते हैं क्या स्थिति है। तो मैंने पहले भी आप लोग को अल्पसंख्यक के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ कि अल्पसंख्यक कौन हो सकता है, किस संदर्भ में हो सकता है, अल्पसंख्यक का जो दर्जा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे के संदर्भ में आपको यह देखने को मिलता होगा, अल्पसंख्यक को केवल हम किस रूप से देखते हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक के तौर पर देखते हैं। वहां पर जैन और बौद्ध और अन्य जातियां राज्यों में जहां पर अल्पसंख्यक के तौर पर अन्य लोग वर्ग भी है उसे हम लोग नहीं देखते, केवल अल्पसंख्यक के तौर पर हम लोग इसे ही देखते हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक के तौर पर। मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था, आप लोग जाके वीडियो देखिएगा, विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, बस आप लोग प्रीवियस ईयर को देखिएगा। केस स्टडी के तौर पर इसे भी आप लोग ले सकते हैं, जहां पर दुनिया की राह दिखा सकती है मोबाइल क्लिनिक, तो एक नया कॉन्सेप्ट भारत के द्वारा दिया गया यूनिसेफ, इसकी चर्चा की गई, सेमिनार जो हुआ है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के समय, हेल्थ दूसरी हेल्थ ग्रुप वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ, उसमें बातें की गई है। तो इसके संदर्भ में कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, दूर दराज में हम कैसे चीजों को नियमित टीकाकरण कर सकते हैं, स्वस्थ जांच की आवश्यकता कैसे पूर्ति कर सकते हैं, या महामारी के दौरान ऑनलाइन ऑनलाइन कंसल्टेंशन या कोरोना
कोविड टीकाकरण के संदर्भ में जांच की अपनाएगी। डिजिटल सुविधा कैसे मदद कर सकती है, मोबाइल क्लिनिक कैसे प्राकृतिक आपदाओं में लाभ दे सकता है, इसके संदर्भ में इसका हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसके लिए चर्चा परिचर्चा हुआ है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए केस स्टडी देखिएगा कि हम अगर किसी किसी भी टॉप किसी भी समस्या का बेहतर समाधान चाहना प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर विकल्प कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकता है, उसके लिए आपको केस स्टडी यह देता है कि देखिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या हर देश के लिए, ऐसा नहीं कि अमेरिका के लिए जो सबसे विकसित देश है उसके लिए स्वास्थ्य समस्याएं नहीं है, जैसे कोविड जैसे महामारी में स्पष्ट होता है। और भी बहुत सी चीजें हैं, प्राकृतिक आपदाओं में हम कैसे स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सके, इसके लिए मोबाइल जो हेल्थ क्लिनिक है वो कहीं ना कहीं भारत हुआ जो विकसित किया गया, डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर सारी सुविधाएं हम दे सकते हैं। तो इन स्थिति से हम कैसे समाधान ढूंढ सकते हैं, तो इसके लिए अर्थात गरीबी देश गरीब देश से जैसे अफ्रीकन कंट्रियों में हम कैसे इसे मोबिलाइट कर सकते हैं, कैसे हम इसकी पहुंच स्थापित कर सकते हैं, जैसे मुद्दे को केस स्टडी के तौर पर इसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं, इससे हम लोग लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, आपको विश्व धरोहर दिवस पर यह चीजें आपको पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़िएगा, पेपर कटिंग में दूंगा। कैसे सामाजिक समरसता स्थापित हो सकता है, केवल हिंदू मुस्लिम केवल कटु के पक्ष ही नहीं है, यहाँ पर कुछ शांति के प्रतीक भी देखने को मिलता है, जहाँ पर उर्दू में लिखी महाभारत की प्रति ओरिजिनल प्रिंटिंग जो 300 वर्षों तक हस्तलिखित महाभारत को सहजे हुए एक मुस्लिम परिवार है, तो कैसे सहज के रखता है रखते हैं अपने पूर्वजों के जो कॉन्सेप्ट है उनको कैसे सहज के रखना है, कैसे हम सामाजिक समरसता स्थापित कर सकते हैं, जैसे मुद्दे आपको यहाँ से कवर होंगे। देखिए कानूनी सुधार की दिशा में सार्थक पहल होगा, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बोला था पहले कि जितना महत्वपूर्ण मजबूत और त्वरित न्याय व्यवस्था हमारे देश में होगा, हम भारत में सभी क्षेत्र में बेहतर विकास कर सकते हैं। आर्थिकी का होगा, सामाजिक लक्ष्य का प्राप्त करना हो, राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना हो, या हम देश देश के रूप में राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं, जब तक कानून और व्यवस्था मजबूत नहीं होगा, त्वरित न्याय का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक इन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए विवेक देवराय ये जाने माने व्यक्ति आप लोगों को होंगे पता होगा, प्रधानमंत्री के सलाहकार भी हैं ये, इनके द्वारा यह बातें की गई है कि कैसे एक मजबूत कानूनी आपराधिक न्याय प्रणाली भ्रष्टाचार के प्रहार के साथ साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देकर सशक्त समावेशी अधिकार के राह आर्थिकी की राह तय करते हैं। अगर हम बेहतर आपको हाल ही में याद होगा आपको अतीक अहमद का जो मामला था आपको देखने को मिला होगा, यह कब पहले मामला जो था 1980 का जो 10 का जो अपराध था उसके संदर्भ में उनको सजा मिली थी, 22 साल का कैद उम्र कैद हुआ था। तो सोच के देखिएगा ये सब चीजें, बहुत से जगह आप सुनते होंगे 36 साल के बाद, 48 साल के बाद, 42 साल के बाद क्या हुआ है उसे न्याय प्राप्त हुआ, तो क्या वो न्याय सदृश होगा, इस बीच में कितना। देखिए एक बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि भले ही कॉन्सेप्ट आप ये चीज मानिए कि अतीक अहमद के मामले में भीड़ में लोगों को मार भीड़ में उसकी हत्या कर दी गई, तो आप सोच के देखिएगा न्याय व्यवस्था पर लोगों का विचार लोगों का विश्वास है ना वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। तो ही तो इस प्रकार के आपको देखने को मिला होगा जब हैदराबाद में तेलंगाना हैदराबाद में आपको ये सब चीजें देखने को मिला था, जब एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनको जला दिया गया था, डॉक्टर जो थी। हाल में बहुत जगह आपको ऐसी घटनाएं देखी होंगी, तो लोग जो भी शासन व्यवस्था का जो न्यायिक व्यवस्था को कार्य करना चाहिए था वो अपने हाथों में ले रहे, वो किसी भी संदर्भ में ले रहे, इसके पीछे का कारण क्या है कि हम लेट लपेटी सिस्टम को डेवलप किए हुए। कोई भी अगर मान लीजिए सजा कोई व्यक्ति विशेष को सही समय पर उचित प्रक्रिया के तहत नहीं दिया जाता है तो लोगों को में विश्वास कम होता है, और विश्वास कम होना न्याय के कॉन्सेप्ट में विश्वास का कम होना कानून और विधि के कॉन्सेप्ट पर कठोराघात कर देना। तो ध्यान रखिएगा देश तभी विकास कर सकता है जिसके नींव मजबूत किया जाए, तो नींव कैसे मजबूत होगा, कानून का शासन स्थापित कर देगा। कानून का शासन स्थापित कैसे होगा, तो इसके लिए न्यायिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो सक्षम रूप से ना सही तरीके से कार्य करे, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो जुडिशियल जो सिस्टम है इंटर गवर्नमेंटल जो ऑपरेशनल या पहल जो इंटर ऑपरेबल
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हाल ही में शुरू किया गया वो कहीं ना कहीं सहायक होगा, ऐसी बातें की जा रही है। डेटा एनालिसिस बहुत सी बातें हैं, इसी के संदर्भ में आपको यह लेख देता है। इस पर पहले भी मैं चर्चा किया हूँ, ये जब कॉन्सेप्ट आया था उस दिन भी मैंने चर्चा किया। तो आप लोग क्या करना, एक बार रिवाइज कर लेना, जितना भी अंडरलाइन चीजें की गई है पेपर में उसे आप लोग देख लेना। पेपर का कटिंग आपको इवनिंग तक जरूर मिल जाएगा। अब देखिए, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 राजनीति और चुनाव सुधार के संबंधित मुद्दे में आपको राजनीतिक आधार मुक्त अपराध मुक्त बनाने कठिन चुनौती है। और जैसे कि एक दो कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण, आपको दोनों कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है 1977 के बाद, अर्थात 1980 के बाद के जो दशक प्रारंभ हुआ उसके बाद, यह दोनों कॉन्सेप्ट हमारे राजनीति में कहीं ना कहीं प्रबुद्ध रूप से शामिल हो गया। हम अभी तय ही नहीं कर सकते राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, अपराधीकरण हुआ या अपराधी का राजनीतिकरण हुआ, यह तय ही नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के समतुल नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है, डाटा किसका रखना है याद, एडीआर का रिपोर्ट। मैंने पहले भी नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन की बात मैंने किया था, जहां पर चीजें बताई गई थी कि इसके रिपोर्ट को, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अर्थात एडीआर का रिपोर्ट आपको याद रखनी चाहिए। हमेशा डाटा को बेहतर तरीके से इनपुट दीजिएगा, इसको इस तरीके से आप बताइएगा कितना कितने वर्ष में डाटा का एनालिसिस बेहतर तरीके से कीजिए, ताकि आंसर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। वर्ष 2009 की बात की जाए, आपराधिक मामलों में सांसदों का 76%, 2019 में बढ़कर लगभग 159 हो गया। इस प्रकार 2009 में 9 से लेकर 19 के बीच गंभीर अपराधी के पृष्ठभूमि के लिए सांसदों की संख्या कुल 109% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं चिंता के विषय देते हैं। अगर हम जनप्रतिनिधि के तौर पर इन अपराध संदिग्ध अपराध की के संदर्भ लोगों को शामिल करते जाएंगे तो राजनीति का अपराधीकरण ऐसे ही होगा। जैसे अतीक अहमद के मामले में हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं क्यों बार बार ये बातें अतीक अहमद, ऐसा नहीं कि मैं किसी खास विशेष व्यक्ति को ही नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, और भी बहुत से व्यक्ति पर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ये 4 बार विधायक रह चुके, एक बार सांसद रह चुके हैं, सोच के देखिएगा, सॉरी 3 बार विधायक रह चुके हैं और एक बार शायद सांसद रहे हैं। तो सोच के देखिएगा इसके यह किस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिसे सजा दी गई ना, 22 साल की सजा, उम्र कैद की सजा दी गई, किसी मामले में यह होगा। तो इस प्रकार से लोग इतनी दफा तक हमारे राजनीतिक सिस्टम में डेवलप हुए, विकसित हुए, पनपे, अपने पूरे साम्राज्य को विकसित किए, ऐसे हजारों नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जो वर्तमान 2009 से लेकर अगर 19 तक की बात की जाए, अभी वर्तमान में 23 तक की बात की, तो ऐसे हजारों नेताओं के द्वारा, ऐसे छोटे तो बड़े बड़े मछली, शार्क मछलियां, छोटी छोटी मछलियां तो कितने लोग करते हैं, उनका कोई तो आंकड़ा ही नहीं है। जो विधायक बने हुए, जो सांसद बने, उनके ना उनके गुर्गे जो होते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं, वो कितने हत्याएं और किस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिए रहते हैं। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक सिस्टम को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 याद रखिएगा। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे लोग जिन्हें किसी भी आरोप में न्यायालय सजा दे चुका या सजा काट चुके हैं या जेल में है, चुनाव लड़ने से अयोग्य है। साथ ही यह जब किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा सजा नहीं सुनाई जाती, जब तक तब तक व्यक्ति अपराध नहीं, अपराधी नहीं माना जा सकता, इसी का लाभ आप लोग को देखने को मिलता है। येन केन प्राकरण से क्या करते हैं कि कोई भी सजा कर, कोई भी अपराध कर लेते हैं और उसको लंबे वक्त तक न्यायालय में घिसते हैं, न्यायिक सिस्टम। इसलिए तो मैं आप लोग बताया ना कि न्यायिक सिस्टम जो हमारा बेहतर होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, इसके बहुत से हम डीमेरिट्स को रोक सकते हैं। उसी का एक पक्ष देखते होंगे, मान लीजिए मैं कोई ऐसा अपराध किया जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और मैं उसे न्यायिक प्रक्रिया में आने ही नहीं दूंगा अपने धन बल से, तो क्या होगा कि मैं तब तक क्या होऊंगा, तब तक मैं चुनाव लड़ सकता हूं, और जब 20-22 साल के बाद अगर इसका आता भी है तो मेरे अंतिम दहलीज पर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, तब तक मैं अपने साम्राज्य को ऐसा विकसित करूंगा कि सिस्टम मेरे पैरों तले होगी। यही एक सबसे बड़ा डिमेरिट पार्ट है जिसे आप लोग को समझने की जरूरत है। देखिए, जिन अपराधों में हत्या, दुष्कर्म, जबरन डकैती, जबरन वसूली आदि जैसे गंभीर आरोप लगे होते हैं, वो भी चुनाव टिकट प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए केवल चुनाव आयोग ही केवल कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। साथ ही साथ
पार्टियां भी इसके लिए हो सकती। तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये सब को क्यों जनता इसे प्रति वोट दे के जिता देती है, क्योंकि जनता को पता तो होता है कि अतीक अहमद जैसे जो लोग हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, चुनाव में आती तो जीत जाती। तो ऐसा क्यों? मैंने आप लोगों को आजादी के दौरान का कॉन्सेप्ट समझाया था, याद होगा, हाल ही के दिनों में कॉन्सेप्ट समझाया था, पहले भी समझाया। और त्वरित न्याय दिलाने में ये लोग है ना, न्यायिक व्यवस्था से भी तीव्र काम करते हैं। मान लीजिए मैं एक दबा हुआ वंचित हूँ, मुझे किसी से समस्या है, मुझे मेरा कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, सरकारी काम नहीं हो रहा, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लोकल आपराधिक, लोकल जो नेतागण होते हैं उनके पास जाता हूँ, उनका अपना दुखड़ा समझाता हूँ, और ये वोट बैंक के लिए क्या करते हैं कि मेरी समस्या को तुरंत प्रशासन के स्तर पर सुलझा जाते हैं, अपने पास से बुलाएंगे पुलिस प्रशासन को, या कोई भी जो लोग जहाँ मेरी प्रॉब्लम, उनको बुलाएंगे, समझाएंगे, सही तरीके से समझे तो ठीक है, नहीं तो उसको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। तो मेरा कार्य अगर हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस व्यक्ति विशेष को वोट दूंगा ना, यही समस्या सारे समाज में, सोसाइटी में देखने को मिलता है। इसलिए अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जीतते हुए आप देखते होंगे, हमारे सिस्टम में आते हुए देखते होंगे। इसके पीछे का कारण है कि न्याय हमें त्वरित तरीके से वो दिलवाता है, न्याय का हमें किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कोई भी कारण स्तर हो सकता है, उसमें हमें न्याय दिलाने में सहायक होता है। तो हम क्या करते हैं, उसे मान्यता दे देते हैं, मान्यता देते हैं तो आने वाले समय में हमारे सिर पर ही बैठ कर डांडिया और खेल खेलता है, जिसके बाद हम फिर रोना रोते हैं कि क्या होता है कि देश में अपराधीकरण बढ़ रहा है, फलना ढकाना, बहुत सी चीजें। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों से बच कर रहना है थोड़ा सा, और हमें सिस्टम को और भी डेवलप करने की जरूरत है। अब ताइवान जल डमरू को याद रखिएगा प्रश्न में, तो क्वेश्चन में बताना है कि ताइवान जल डमरू जो है वो किन देशों के बीच है, इसका जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स है वो किस प्रकार से है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो आज तक न्यूज एनालिसिस इतना ही, कल फिर हम लोग मिलते हैं नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।